नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी के वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर पूरे मंथ की बात करें तो पूरे मंथ में सभी एग्री कमोडिटी में हमने गिरावट आती हुई देखी है, कैस्टर को छोड़कर। चाहे मेंथा हो, जहाँ पे हमने 1.5% की पूरे महीने भर में गिरावट आती हुई देखी है, कॉटन कॉम्प्लेक्स में भी अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी है, गवार में सबसे बड़ी गिरावट हमने 7 से 9% की गिरावट गवार से गवार गम में देखी है, और मसाले में जैसे हमने बताया भी था पहले कि गिरावट रहेगी, तो जहाँ पे हमने हल्दी में 4% की गिरावट, जीरे में 2% गिरावट और कोरिएंडर में 7% की गिरावट देखी। पिछला हफ्ता भी ऐसा ही था, हमने जहाँ पे पूरे मार्केट में गिरावट आती हुई। इसके 3-4 मुख्य कारण है। पहला है कि मानसून सीजन से ऑनसेट है और ऑन टाइम बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे एग्री पैक के अंदर हमने दबाव बनते हुए देखी। पिक मार्जिन के चलते भी हमने देखा कुछ पोजिशन लॉन्ग लिक्विडेशन में थी और इसी का असर हमने इक्विटी कमोडिटी मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई दिया। इसका ही असर एग्री कमोडिटी पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। साथ में इन्फ्लेशन कंसर्न्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो पूरे एग्री मार्केट पर इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर हमने दबाव बनते हुए देखा। इंडिविजुअल कमोडिटीज पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले मेंथा ऑयल के अंदर हमने प्राइसेस में थोड़ी बहुत रिकवरी इसलिए भी देखी कि लोअर प्रोडक्शन है, डिमांड में इंप्रूवमेंट बताया जा रहा है, साथ के अंदर हार्वेस्टिंग के अंदर थोड़ा डिले बता सकते हैं जिस ढंग से मौसम खराब हुआ है, ये कहीं ना कहीं ईल्ड पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में सिंथेटिक मेंथा की अगर हम सप्लाई की बात करें, एज ऑफ नाउ पहले हमने कुछ हर्डल्स बनते हुए देखे, वो अभी भी कंटिन्यू बने हुए क्योंकि यूरोप में केमिकल शॉर्टेजेस की वजह से ये बना हुआ है। रूपी में गिरावट के चलते भी मेंथा के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, तो ओवरऑल अगले हफ्ते मेंथा में तेजी का रुख रहेगा जो 1100 तक का लेवल दिखा देगा। कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बड़ी गिरावट अभी भी एक्सपेक्टेड है जिस ढंग से गवर्नमेंट इंटरवेंशन कंटिन्यू चल रहा है, मानसून ऑनसेट काफी साउंड है और टेक्सास मिसिसिपी में भी हमने देखा कि जो सोइंग की प्रोग्रेस है वो 54% पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी है, जिसके वजह से कॉटन में हम गिरावट कंटिन्यू देख रहे हैं। टाइमिंग हमें लगता है कि इंटरनेशनल में भी 130 सेंट का एक काफी अच्छा सपोर्ट, अगर ये ब्रिज करता भी है तो 118 तक का लेवल दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी 40,000 तक के लेवल लग रहे हैं, तो कॉटन में अगले हफ्ते भी मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यूएसजी की लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो हमने पहले भी देखा था कि जिस ढंग से यूएस का प्रोडक्शन लोअर किया था जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा था साथ में वेदर कंडीशन को देखते हुए, बट कहीं ना कहीं अब स्विंग अच्छी बताई जा रही है जिसकी वजह से प्राइसेस में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मसालों के अंदर अभी भी प्रेशर बना हुआ है क्योंकि जो प्रोडक्शन लॉसेस था उसके से प्राइसेस रैली अप कर गई, बट डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है जिसके से मसालों में भी गिरावट रहेगी। तो इन शॉर्ट पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो गवार के अंदर लोअर लेवल से हम बाइंग वापस लौटते हुए देखेंगे, वहीं मसालों के अंदर थोड़े बाउंस पे वापस बिकवाली रहेगी, कॉटन के अंदर बिकवाली कंटिन्यू करके चलनी, जबकि कैस्टर काफी साउंडली 76.50 तक का लेवल दिखा सकता है। धन्यवाद।